तो दोस्तों नमस्कार। और जो हमारा कल का व्लॉग था, कलम थे यहाँ पे दारासुरम में, तो उसी व्लॉग को आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू। और जिस भी में जो हमारी होटल है उसी के अंदर, जैसे वो मॉर्निंग का टाइम है, देख लीजिए आप कैसे यहाँ पे जितने भी जानवर हैं जो चहका रहे हैं, हमें उनकी आवाज़ से यहाँ पे इजीली साफ सुनाई दे रही है। तो अभी लगभग 6:25 हो गए हैं, तो आया हूँ चाय पीने के लिए। तो देख लीजिए मॉर्निंग के समय में जो हमारी होटल है कड़ाईकोडम, वहीं पे अभी सुबह सुबह क्या नज़ारा है मॉर्निंग का, अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग के अंदर आ गए हैं। सभी हम आ गए हैं वापस कलकुंभेश्वर जो टेंपल था वहाँ पे। आज हम जो पावल है उसके साथ हम करेंगे यहाँ पे गज पूजा। और गज पूजा की आप देख लो अभी तैयारी वगैरह चल रही है ऑलरेडी, यहाँ पे माला वगैरह सभी आ रखी है। तो आज जो उनकी पूजा है वो हम करेंगे अभी गज पूजा, क्यों कल पावलों का बर्थडे आ, तो उसका लास्ट डे 59 ईयर्स का। तो अब करते हैं थोड़ी देर में, और सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में करते हैं पूजा पावलों के साथ में यहाँ पे। जैसे अभी हमारी जो पूजा की तैयारी वो भी चल रही है, हमने जितने भी सामान सामग्री थे सब भी लेके आ गए। पावलो उधर खड़ा है, तो और बिल्कुल जो कुमेश्वर मंदिर है उसी के अंदर हम सब लोग कर रहे हैं पूजा पाठ। तो जस वाह उपरेण दो मूत्र माँ लावी ले माँ कौन सा वाला। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए अभी ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है गज पूजा यहाँ पे। और आप्रोशी प्रेत लुपले देख लीजिए जस्ट भी पूजा है जो हमारी चल रही है। गेस्ट वगैरह पीछे बैक साइड में खड़े हैं और पूरा सभी लोग यहाँ हैं। तो अब चल रही है जो पावलो का कल बर्थडे है उसके लिए हमने जो कुंभेश्वर टेंपल है उसके अंदर गज पूजा करवा रहे हैं हम सभी लोग यहाँ पे। भैया
खालेंदो हाँ खोली खालू का मोयल चाहिए बंदी मोने चाहिए संगा दोस्तों जैसे अभी हमने जो पूजा वो कर ली है और सभी लोग जस्ट बैक साइड में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी रही हमारी जो पूजा थी गजानन की। सभी मैं पहुंच गए हैं जो बृगदेश्वर मंदिर है तंजावुर में, वहाँ पे, और मेरे बैक साइड में देख रहे हो मंदिर आप पूरा पूरा, और ये पूरा पूरा मंदिर आप जो देख रहे हो ये लगभग 1003 से 1010 ईस्वी में राजराज चोला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मेरे बैक साइड में देख रहे हो ये मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से जैसे भी हमने एंट्री की थी, और अब चल रहे हैं यहाँ से जिस मंदिर जो अंदर की तरफ से वो देखने के लिए। तो दोस्तों देख लीजिए जैसे भी जो बृगदेश्वर टेम्पल है उसके अंदर ये कार्तिकीय भगवान का मंदिर है, जो ये भी मंदिर है जो ग्रेनाइट्स से बना हुआ है, और इसी के बिल्कुल जो पास में आप देख रहे हो ये है पूरा पूरा बृगदेश्वर मंदिर। और ये मंदिर तो ये देख रहे हो पूरा पूरा मंदिर आप जो बृगदेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, इसकी लगभग 66 मीटर इसकी हाइट है टोटल, और जो ऊपर आप बिल्कुल जो क्लस देख रहे हो उसका वजन लगभग 80 टन, और इसी के पास में पूरा मंदिर यहाँ पे ये पूरा मंदिर बना हुआ है ये देख लीजिए आप। तभी हमें बृगदेश्वर मंदिर तंजावुर तो देख लीजिए जस्ट एंट्री के लिए यहाँ पे दो गेट है, पहले वाला और सेकेंड गेट जस्ट जहाँ से जस्ट अभी हमने एंट्री की थी, और इसी के पास में देख रहे हो आप बहुत बड़ा नंदी है जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंदी इसे कहते हैं, टोटल इसका 25 टन वजन है, और इसी के पास में बिल्कुल पूरा मंदिर है। और देख लीजिए ऊपर जो आप ये नंदी वगैरह देख रहे हो लगभग 1008 नंदी चारों मंदिर के चारों ओर ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम पहुँच चुके हैं जो चेटीनाड में हमारी होटल वहाँ पे, और जैसे अभी इनका वेलकमिंग हो रहा है सभी गेस्ट का आप देख लीजिए। तो चलते हैं अंदर हमारी जो चेक इन है उसके लिए। जैसे भी जो हमारी होटल थी चेटीनाड में, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, और मेरे बैक साइड में देख रहे हो पुराना बंगलो 1936 में ये यहाँ के जो एक बिजनेसमैन थे उन्होंने इस बंगले का निर्माण कराया था, और इसी के पास में बहुत ही सुंदर आप देख रहे हो यहाँ पे इस साइड ही स्विमिंग पूल। तो ये वाली जो आप जगह देख रहे हो ये बिल्कुल इसके बैक साइड में है बंगलों के इस साइड में, और इसी के पास में है ये पूरा पीछे की तरफ है, देख लीजिए कितनी प्यारी प्रॉपर्टी यहाँ पे उन्होंने बना रखी है, एक्सीलेंट बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी चेटीनाड जो गाँव है यहाँ पर कड़कुनाथ नाम से, उसी के खांडूनाथम गांव का नाम है, उसी के अंदर पूरी प्रॉपर्टी। और देख लीजिए उस वक्त के रेडियो वगैरह ये, और जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो सभी पुराने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए जस्ट अभी हम घूम रहे हैं जो ये यहाँ पे चेटीनाड है उसी के अंदर जितने भी हाउसेज वगैरह आप देख रहे हो ये सभी उस वक्त की जो जितने भी यहाँ बड़े जो बनी हुआ करते थे ये उन्हीं की हाउसेज हैं। तो ये वाला जस्ट हाउस अभी हमने बाहर से विजिट किया है,